नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कुछ अच्छा बनाते हैं मैं आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको एक साउथ इंडिया की रेसिपी जिसका नाम है मूंग दाल के रसबड़े। इसको वहाँ पर रसगुल्ले भी कह के बुलाया जाता है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और वैसे भी अभी त्योहारों का मौसम आ रहा है तो आप किसी भी त्योहार पर इसको बनाइए और प्लीज़ मुझे बताइएगा जरूर कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए हम बनाते हैं अपने मूंग दाल के रसबड़े। इसके लिए मैंने ले ली है 1 कप मूंग दाल और आधा कटोरी है मावा और आधा कटोरी है ये हमारा क्रस किया हुआ पनीर और 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने ले लिया है कॉर्न फ्लावर। ये वैसे तो एक पारंपरिक मिठाई है जो साउथ इंडिया में बनाई जाती है, इसको रसवड़ा बोलते हैं, लेकिन आज मैं इसे आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बना के दिखाऊंगी। तो चलिए, तो इन सब चीजों को हम एक मिक्सी के जार में डाल लेंगे। ये मूंग की दाल को मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और ये मेरी छिलके वाली मूंग की दाल है। मैंने कुछ छिलका इसका निकाल दिया है, कुछ छिलका इसमें ही रहने दिया है। ये छिलके की वजह से इसमें जो मैं इस डिश बताने जा रही हूँ उसमें बहुत ही क्रिस्पीनेस आएगी। अगर आप चाहें तो इसका पूरा छिलका भी निकाल सकते हैं। तो हम सभी सामान को ऐड कर लेंगे और 2 चम्मच के करीब हम इसमें ये कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर की मात्रा को ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं हो तो इसकी जगह पे आप आरारोट या मैदा भी ऐड कर सकते हैं। तो हम इन सब चीज़ों को अब अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करते समय हमें इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। देखिए, मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इसको हमको बिल्कुल से एकदम से क्रीमी पेस्ट बनाना है। ये दरदरा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल से क्रीमी बनाना है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर का रेड फूड डालूंगी। अभी त्योहारों का मौसम चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप चाहें तो इसे हरियाली तीज पर भी बना सकते हैं। ये मिठाई बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो हम इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। देखिए, ये हमारा बिल्कुल से स्मूथ बैटर बन करके तैयार हो गया। इस बैटर को आपको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसको थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। अब हम इनके लिए शुगर सिरप बनाएंगे। तो मैंने यहाँ आधा कटोरी पानी ले लिया है। आधा ही कटोरी हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको चीनी को घुल जाने तक हम इसको पकाएंगे। उसके बाद 2 मिनट और पकाना है हमको इसको और इसकी फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। जब तक हमारी चाशनी पक रही है तब तक मैं इस बैटर को इस तरह की, मैंने एक नमक की पॉलिथीन ले ली है उसमें उसको हम इस तरह से 1 कप में रखेंगे इस तरह से और इसमें ये बैटर भर लेंगे। इस तरह से आप इसमें इस तरह से बैटर डाल लें कि ये हमारी चाशनी बन करके तैयार हो गई है। अब हम इसको एक साइड रख देंगे। इस चाशनी को बनने में हमारे केवल 5 से 7 मिनट ही लगे हैं क्योंकि हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। देखिए, एक पैन में मैंने घी ले लिया है। अगर आप चाहें तो इनको ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, अगर घी में चाहें तो घी में फ्राई कर सकते हैं। अब हम इस घी को मीडियम हॉट हो जाने देंगे, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, ये हमारा मीडियम हॉट होना चाहिए। अब देखिए, हम इसमें थोड़ा सा बैटर डाल के देखेंगे। तो देखिए, ये हमारा हल्का हल्का फ्राई हो रहा था जो हमने बैटर डाला है। हमें ऑयल इतना ही गर्म चाहिए। अब हम अपनी ये पेस्ट इसमें एक एक करके डालूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या शेप दे रही हूँ। तो देखिए, पहले मैं इसको इस तरह से बीच में गिराऊंगी और फिर इसके इस तरफ तरह से राउंड शेप दे दूंगी। इस तरह से हम इनको, अगर आप चाहें तो इन्हें जिस तरह से हम दाल के बड़े बनाते हैं उस तरह का भी शेप दे सकते हैं, गोल गोल। वैसे ये जो इसकी ट्रेडिशनल रेसिपी है वो इसी तरह से बनती है इसकी, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग बना के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप बैटर को पहले बीच में और फिर इस तरह से थोड़ा सा घुमा दीजिए तो इसकी लेयर अलग अलग आएंगी। देखिए, ये मेरे कुछ तल करके तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें निकालेंगे और फटाफट से इनको चाशनी में गरम में ही पोर करते जाएंगे। कुछ ये मैंने बाद में डाले थे तो अभी ये नहीं, जो हमारे थोड़े से हल्का सा इनका कलर चेंज हो गया है उनको हम निकाल लेंगे। देखिए, ये मेरे जितने तल गए हैं इनको सबको मैंने चाशनी में डोब दिया है। अब हम इन्हें कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसी तरह चाशनी में रहने देंगे।
तब तक हम अपना सारे बैचेस तल के तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको इसी को एक अलग तरीके से बनाना बताऊंगी। इस तरह से चम्मच में बैटर ले और इस तरह से इसको डालते जाएं। ये वैसे ट्रेडिशनल तरीके से इसी तरह से बनते हैं मूंग दाल के रसबड़े, तो इस तरह से आप डालते जाएं। वो हमारे कुछ कुछ जलेबी के शेप के हैं, ये हमारे कुछ हम ऐसे बना करके तैयार कर लेंगे। देखिए ये हमारे दूसरे भी तल करके तैयार हो गए हैं, इनको भी हम फटाफट से निकाल के चाशनी में पोर कर देंगे। ये हमारे रसवड़े पूरे तल करके तैयार हो गए हैं और ये चाशनी में डूबे डूबे भी इनको 15 से 20 मिनट हो गए हैं। देखिए कुछ ये जलेबी के शेप में हैं और कितने जूसी हैं, और कुछ ये रसगुल्लों के शेप में है। देखिए इनको कहीं कहीं मूंग दाल के रसगुल्ले भी कहा जाता है। तो अब मैं आपको इनको सर्व करके दिखाती हूँ। तो एक बाउल में हम ये जो हमने अपनी जलेबियों के शेप के बनाए थे वो इस तरह से रख लेंगे। और कुछ जो हमारे ये रसगुल्ले के शेप में हैं एक बाउल में हम वो निकाल के रख लेते हैं। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा जूसी है, इनमें अंदर तक बिल्कुल रस भरा हुआ है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। देखिए कुछ इसमें हम इस तरह से चाशनी इस तरह से पोर कर देंगे दोनों में। देखिए हमारे कितने अच्छे रसबड़े बन करके तैयार हुए हैं। और ये जो जलेबी के जैसे रसबड़े हैं ये तो देखिए कुछ कुछ फ्लावर के शेप में नजर आ रहे हैं। और ये वाले भी देखिए कुछ कुछ ये गुलाब जामुन के जैसे लग रहे हैं। तो इस तरह से आप बनाइए और अपने घर में सबको खिलाइए। ये आप पहले भी बना के रख सकते हैं और जब कोई आपके घर में गेस्ट वगैरह आए तब उसको सर्व कीजिए। देखिए मैं कुछ ने ड्राई फ्रूट से सजा देती हूँ। यहाँ मैंने कुछ बादाम की कतरन और कुछ वाटरमेलन सीड्स ले लिए हैं और हम इस तरह से सब पर पोर कर देंगे थोड़ा थोड़ा। इस तरह से आप रसवड़ा बनाइए और अपने घर में सबको खिलाइए। और प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरा अगला आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस रेसिपी में क्या अच्छा लगा, और अगर कुछ पसंद ना आया हो तो प्लीज़ वो भी बताइएगा। अब मिलेंगे हम अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।